हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट टू। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विभीषण ने एक वाइन का बोतल तोड़ दिया था, इसके वजह से उसके हाथों में चोट आ गई थी। देन उसके बॉस लांगवांग जी ने उसको अपने रूम पे बुलाया था उससे बातें करने के लिए। उसके हाथों में चोट देखकर लंजा ने उसके हाथों में ड्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले विभीषण लंजा के इतना क्लोज कभी भी नहीं आया था, क्योंकि लांगवांग जी बहुत ही कम सबके सामने आता है, इसलिए विभीषण ने उसके इससे पहले कभी भी अच्छे से नहीं देखा। बट अब वो उसको बहुत ही क्लोजली देख रहा था। वो देख सकता था कि लंजा के आंखें नॉर्मल नहीं है, उसके आईज के कलर गोल्डन है एंड उसका आईज ह्यूमंस के आईज से बहुत ही अलग है। एंड लांगवांग जी बाकी सबसे बहुत ही अलग है, क्योंकि वो हमेशा ओल्ड थिंग्स को बहुत ही इंजॉय करते हैं। बट उसमें कुछ तो ऐसे बात है जिससे विभीषण को फील हो रहा था कि उसे अभी भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर लांगवांग जी सच में वैम्पायर है तो वो एक शिकारी है एंड विभीषण एक शिकार। बट वेंचाओ के आगे अपने ऑर्गन्स देने से तो अच्छा है कि लंजा उसका शिकारी कर ले, एटलीस्ट वेंचाओ उसको परेशान नहीं कर पाएगा। बट लंजा ने कोई भी एक्स्ट्रा मूव्स नहीं की, वो सिर्फ विभीषण को ड्रेसिंग कर रहा था। वुइंग ने कहा, थैंक यू सर, और मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने जो भी डैमेज किया है। विभीषण उसके किए हुए सारे डैमेज की भरपाई करना चाहता था, बट उसका इतना औकात नहीं था कि वो ये सब कुछ एफोर्ड कर पाए। तभी लंजा ने कहा, सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम मेरे लिए काम करते वक्त इंजर्ड हो चुके हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। ये सुन के विभीषण बहुत ही शॉक्ड हो गया था। इससे पहले उसने कभी भी एक बॉस को अपने एम्प्लॉय से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा था। बॉसेस हमेशा अपने एम्प्लॉय को प्रेशर देते हैं काम करने की। वुइंग को अभी भी याद है जब वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता था, तब उसका एक कोवर्कर ने काम करते वक्त अपने पैर को तोड़ दिया था और बहुत सारे डैमेज भी किया था। तब उसके बॉस ने उसको उस सारे डैमेज की भरपाई करने के लिए कहा था एंड उसको काम से निकाल दिया था। फिर से विभीषण ने उसको कभी भी नहीं देखा था। तो विंग ने कहा, तो फिर आप मुझे काम से नहीं निकालेंगे? तभी लांगवांग जी ने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तब विंग ने कहा, बट वो वाइन। तभी लंजा ने उसका हाथ पकड़ा एंड कहा, कोई बात नहीं, वाइन को रिप्लेस किया जा सकता है। एंड देन विभीषण मन ही मन में बोल रहा था, एम्प्लॉयज़ को भी। देन विभीषण ने कहा, अगर आप मुझे काम से निकालने के लिए नहीं बुलाए तो किस लिए बुलाए सर? तभी लंजा ने विभीषण को कुछ देर देखा, देन कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ? विभीषण तो शॉक्ड ही हो गया। उसने कहा, मुझे हेल्प करना चाहते हैं? लंजा ने नोट किया और कहा, मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही परेशान हो, कुछ चीज़ें तुम्हें बहुत ही परेशान कर रहा है। विंग लंजा के आंखों की तरह भी देख रहा था। तभी उसको कुछ फील हो रहा था, उसने अपने नज़र को घुमा लिया और वो अपनी मन ही मन में सोचने लगा कि निवशन ठीक ही कह रहा था, लांगवांग जी उसको बहुत दिनों से नज़र में रख रहा था। बट विभीषण को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। विंग को ऐसे सोचते हुए देखकर लंजा ने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया, तो मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाना। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैंने फील किया कि तुम्हें कुछ चीज़ बहुत ही परेशान कर रहा है, इसके वजह से तुम्हारे काम पे भी असर पड़ रहा है। तभी विभीषण ने कहा, ओह मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कोई गलत काम किया है, तो मैं फिर से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं अच्छे करने की कोशिश करूँगा। देन वो मन ही मन में सोच रहा था, अब समझ में आया शायद उसके काम में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए लांगवांग जी एक बॉस की तरह उस पर नज़र लग रहा था। विभीषण के एपोलॉजी सुन के लांगवांग जी को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने हेड को सेक किया और कहा, मैं तुमसे एपोलॉजी की एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तभी विभीषण ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, बट आप मुझे हेल्प क्यों करना चाहते हैं?
आई एम नो बॉडी। तभी लंजा ने कहा, नहीं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। विभूषण को इससे पहले ऐसी बात किसी ने भी नहीं कहा था, स्पेशली कोई भी रिच पर्सन। कोई रिच पर्सन तो उससे बात तक नहीं करता था। तभी विभूषण थोड़ा कन्फ्यूज एंड एम्बेरसिंग फील किया और कहा, वेल, मैं आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं बोल सकता, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है ठीक से, सो मैं आपसे कोई भी कर्ज नहीं लेना चाहता। फिर वो मन ही मन में सोच रहा था, वेन फैमिली से उसके एडप्टिव पेरेंट्स ने बहुत सारे लोन ली थी, शायद लांगवांग जी उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तभी लंजा ने कहा, तुम मुझसे कोई कर्ज नहीं लोगे, मैं तुम्हें एक डील ऑफर कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं भी रिटर्न में तुम्हें हेल्प करूँगा। वुइंग को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लांगवांग जी की तरह इंसान उससे क्या चाहता है। उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्या लांगवांग जी उससे कुछ इलीगल, डेंजरस या इमोरल करने के लिए कहेगा। वुइंग को ऐसे कंफ्यूज देख के लंजा ने कहा, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। वेल, ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं तुमसे कोई लॉ के ऑपोजिट नहीं करने को बोलूँगा और ना ही लॉ को तोड़ने के लिए बोलूँगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें हार्म तक नहीं करूँगा। मैं तुमसे कुछ ऐसा चाहता हूँ जो थोड़ा प्राइवेट है। तभी विभूषण सोच रहा था, ओह, तो लांगवांग जी उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। तभी लंजा ने कहा, पहले तुम अपने परेशानी के विषय में बताओ, देन मैं तुम्हें अपना प्रॉब्लम बताऊँगा, फिर देखते हैं कि क्या हम इस डील पे आएंगे या नहीं। विभूषण मन ही मन में सोच रहा था कि ये आदमी पता नहीं कितने सारे लोगों को ऐसे प्रपोजल दिया है। तभी वुइंग ने कहा, ठीक है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर आप मेरे प्रॉब्लम के बारे में सुनेंगे तो आप मेरे हेल्प करना चाहेंगे या नहीं। मैं एक कर्जदार हूँ, स्पेशली मेरे एडप्टिव पेरेंट्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके चले जाने के बाद उनका सारा लोन मेरे ऊपर आ गया और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता अगर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे तो मेरे साथ क्या करेंगे। तभी लंजा ने कहा, तुम किसके कर्जदार हो। तभी विभूषण ने कहा, वेंस के। वो सोच रहा था कि लांगवांग जी अभी कहेंगे कि ठीक है, इस डील के बारे में भूल जाओ और यहाँ से चला जाओ, क्योंकि वेंस बहुत ही रिच एंड पावरफुल है एंड वो बहुत ही क्राइम भी करते हैं, इसलिए उनके विषय में कोई भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। पर लांगवांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। ये सुन के विभूषण तो ऐसे सरप्राइज्ड ही हो गया। उसने कहा, बट सर, ये बहुत सारे पैसों की मामला है, मैं आपसे ऐसे ही कुछ भी नहीं करने के लिए बोल सकता। तभी लांगवांग जी ने कहा, तुम मुझसे कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हो, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ और ये एक फेयर डील है, इसके बदले मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। तभी विभूषण को थोड़ा डर लगा, उसने कहा, आप क्या चाहते हैं। लंजा ने नोटिस की थी कि विभूषण कंटिन्यू उन दोनों के आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, शायद उसने कुछ सेंस की है। तभी उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। विभूषण ने नर्वसली कहा, हाँ, मुझे भी वही लगता है। तभी लांगवांग जी ने कोल्डली कहा, तुम ये क्लियरली बोल सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। तभी वुइंग ने कहा, वैम्पायर। लंजा ने कहा, क्या तुम इससे कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तभी वुइंग ने क्विकली कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी वैम्पायर से बात नहीं की है, आप लोग बहुत ही रेयर होते हो। लंजा ने कहा, हाँ, ये सही बात है, अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो आई होप तुम गेस कर सकते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। अब विभूषण का हार्ट बीट रुक चुका था।
उसे पहले लग रहा था कि लांगवांग जी उसके साथ फिजिकल होना चाहता है, बट अब उसे कुछ और लग रहा है। उसने कहा, तो फिर आप मुझसे? तभी लंजन ने कहा, तुम्हारा ब्लड। हाँ, मैं वो ही चाहता हूँ। क्या इससे तुम्हें डर लग रहा है? तभी उविशन ने कहा, नहीं, मेरा मतलब हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है। तभी लांजा ने कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करूँगा। तभी उइंग ने कहा, बट क्या इसे दर्द नहीं होगा? आई मीन आप लोग तो बाइट करते हो ना, मेरा मतलब अगर आप किसी से ब्लड लोगे तो आप उसको बाइट करोगे। यही सब मैंने वैम्पायर स्टोरीज में सुना था, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो तो। तभी लंजा ने कहा, नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला, ब्लड को नसों से लिया जाता है, बट इससे तुम्हें कुछ दर्द नहीं होगा। इनफैक्ट ह्यूमंस को ये बहुत ही प्लेजरेबल लगता है। तभी उइंग ने कहा, क्या सच में? मुझे कोई आइडिया नहीं था। उइंग को हमेशा लगता था कि अगर कोई एक इंसान के बॉडी को काटकर उससे ब्लड लेगा तो उसको बहुत ही दर्द होगा, बट अब वो कुछ और ही सुन रहा है, इसलिए उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बात। बट उसको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि वो अपने बॉस से बात कर रहा है, लांगवांग जी, जो उससे बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों अब फ्रेंड्स हैं। लांगवांग जी उसका बॉस है और एक वैम्पायर भी, जो उसको एक सेकंड में मार सकता है। तभी लंजा ने कहा, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ह्यूमंस वैम्पायर्स के विषय में नहीं जानते हैं। तभी विभीषण मनी मन में सोच रहा था, हाँ जैसे कि मजाक करना। वैम्पायर्स के विषय में बहुत सारे र्यूमर्स उसने सुना है कि वो बहुत ही रेयर होते हैं एंड वो अपने आइडेंटिटी हमेशा छुपा कर रखते हैं, वो बहुत ही स्टीरियोटाइप टाइप के होते हैं। एंड वुइंग ये सारे बातों को विश्वास भी करता था। भी वुइंग ने कहा, बट सर क्या आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप पर्टिकुलरली मेरे ही ब्लड क्यों चाहते हैं? देन वो मन ही मन में सोच रहा था, एक वैम्पायर चाहते तो किसी के भी ब्लड ले सकते थे, उसका ही ब्लड क्यों चाहिए? और उसके ब्लड के लिए वो इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार है? तभी लांगवांग जी ने कहा, तुम्हें पता है ना, वैम्पायर्स को सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस के ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तभी विंग ने नोट किया। फिर लंजा ने कहा, बट शायद तुम ये नहीं जानते, बहुत ही कम ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिनका ब्लड वैम्पायर्स को सेटिस्फाई देता है। तभी विंग ने कहा, जैसे कि कोई फेवरेट फूड? देन लंजा ने कहा, हाँ वैसा ही कुछ, बट ये सब समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आई होप तुम इमेजिन कर सकते हो। उइंग ने फिर से नोट किया। देन उसने पूछा, ओके तो आपको लगता है कि मेरा ब्लड का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा? तभी लंजा ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ। ये सुन के उइंग को थोड़ा डर लगा। लंजा ने ये बात नोटिस की। देन उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता था। तभी उइंग ने कहा, नहीं ये आपका फॉल्ट नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि आपका स्मेल सेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आई होप आपको गुस्सा नहीं आया। तभी लंजा ने कहा, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे तो ह्यूमंस के इससे भी बुरा रिएक्शन की हैबिट है। तभी उइंग ने कहा, स्टिल अगर आपको हैबिट भी है इसका मतलब ये नहीं कि इट्स ओके, सो आई एम रियली सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये सब तो आपके लिए बहुत ही नेचुरल होगा ना, इसके लिए शेम की कोई बात नहीं। उसने स्माइल की, उसे लग रहा था अब सच में उसने बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट वो बहुत ही ओपन माइंडेड है। तभी लंजा ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। देन उइंग ने अकवर्टली कहा, वेल अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा ब्लड को एक बार टेस्ट कर सकते हैं इस डील को शुरू करने से पहले। तभी लंजा ने कहा, क्या मैं कर सकता हूँ? उइंग ने कहा, ऑफ कोर्स आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके लिए ये तो कुछ भी नहीं। बहुत ही क्यूरियस था ये सोच के कि लांगवांग जी उसको बाइट करेगा एंड देन उससे ब्लड लेगा। तभी लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, आज नहीं,
थैंक यू ऑफर करने के लिए, बट तुम ऑलरेडी इंज्योर्ड हो एंड बहुत सारे खून ऑलरेडी खो चुके हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कुछ परेशानी हो। उसको हेल्थ को लेकर लांगवांग जी को ऐसे कंसर्न देख के विभीषण को बहुत ही सरप्राइज लगा एंड उसके इंजरीज से उसको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था कि उसके इंजरीज की वजह से लांगवांग जी आज उसका ब्लड नहीं ले पाएंगे। उसने कहा, तो फिर आप ये सब कब करना चाहते हैं? देन वो मन ही मन में सोच रहा था, क्या उसका कोई मेंटल प्रॉब्लम हो चुका है? उसको डिसअपॉइंट फील हो रहा है कि लांगवांग जी उससे ब्लड नहीं ले रहा है आज? तभी लंजा ने पूछा, क्या तुम ट्यूसडे को वर्क करने आओगे? तभी उइन ने कहा, हाँ मैं आऊँगा। देन लांगवांग जी ने कहा, देन प्लीज़ काम हो जाने के बाद मेरे रूम पे आ जाना एंड वेन फैमिली से मेरे कॉन्टैक्ट भी है, मैं देखूँगा आगे से वो तुम्हें परेशान ना करे। तभी उइन मन ही मन में सोच रहा था, आगे से मतलब? क्या लांगवांग जी ये बोलना चाहता है कि मैं इस डील को कैंसिल ना करूँ? और वैसे भी मुझे ये सब करना भी नहीं चाहिए क्योंकि लांगवांग जी एंड वेन फैमिली फ्रेंड्स है। तभी उइन ने कहा, थैंक यू सर। तभी लंजा ने कहा, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आज तुम घर जल्दी चले जाओ, मैं अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। विभूषण प्रोटेस्ट करने ही वाला था कि लांगवांग जी के फेस देख के उससे पता चल गया कि लांगवांग जी कोई भी आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विभूषण ने सिर्फ नोट की और वहाँ से चला गया। वो जाने ही वाला था कि लांगवांग जी ने कहा, जाने से पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की एग्रीमेंट है, क्या तुम एक्सेप्ट करने के लिए सच में तैयार हो? तभी विभूषण ने कहा, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लंजा ने कहा, गुड, तो फिर आज हमें गुड बाय करना चाहिए, और हाँ तुम ठीक से खाना खा लेना, सिर्फ एनर्जी ड्रिंक से काम नहीं चलेगा। विभूषण अब हंस पड़ा, उसको लग रहा था कि कोई उसको केयर कर रहा है। उसने लंजा को एश्योर की कि वो अब से ठीक से खाना भी खाएगा और ठीक से सोएगा भी। देन लंजा के ड्राइवर ने विभूषण को उसके घर पे छुड़ाया। कुछ घंटे बाद विभूषण अपने बेड पे सोया हुआ था, वही बेड जो वो अपने भाई के साथ शेयर करता है। वो सोच रहा था, ट्यूसडे कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं है, वो इससे पहले कभी भी अपने काम पे जाने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होता। वो अपने कोलिग से बात करता था, मज़े करता था फिर भी, पर जब से लांगवांग जी अपॉइंट हुआ है तब से वो बहुत ही इंजॉय करने लगा है। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि लांगवांग जी उसका ब्लड लेगा, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, शायद लांगवांग जी हैंडसम है इसलिए। पर विभूषण को लग रहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद इससे भी ज़्यादा कुछ है। वो डेली काम पे जाता था एंड अपना पूरा शिफ्ट मन से करता था एंड वो हमेशा कोशिश करता था लांगवांग जी को देखने का। एक दिन वो अपने काम से घर आया, दिन अपने बेड पे सो गया, दिन उसने फील किया कि उसकी पेट बहुत ही गुड़गुड़ा रहा है। फिर उसके याद आया कि लांगवांग जी को उसने प्रॉमिस किया था कि वो ठीक से खाना खाएगा, बट आज तो उसने खाना ही नहीं खाया। उसको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, वो अपने आँखें बंद करा हुआ था और तभी उसको कुछ याद आ गया।